class, as you all know, your chapter 4 is running in Rhinoland. This chapter is running. In previous video, I have completed section 1. Today, I will cover section 2 in this video. Okay? So, let's start now. Open page number 42, section 2. We are reading about one horn rhino in this section. हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने जो वन हॉर्न एक सिंग वाला rhino था उसके बारे में पढ़ा, जो काजीरंगा में हमारा नेशनल पार्क है उसी के बारे में, और सेक्शन टू भी हमारा उसी से ही रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, शुरू करते हैं हम लोग. डियर समीर, व्हाट अ ट्रीट आई हैड दिस विंटर. मॉम एंड डैड ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम एंड आई सॉ द मोस्ट अमेजिंग वाइल्ड लाइफ. यहाँ पर बोल रहे हैं कि डियर समीर कि इस बार सर्दियों में मॉम और डैड ने एक बहुत अच्छी ही ट्रिप ऑर्गेनाइज की, मतलब बहुत अच्छी एक ट्रिप रखी. कहाँ की थी वो? काजीरंगा जाने की. काजीरंगा में भी हमारा नेशनल पार्क है जो असम में है, और वहाँ जाकर उसने बहुत अमेजिंग सब तरीके के अलग अलग वंडरफुल वाइल्ड लाइफ को देखा. डियर समर, एलिफेंट्स, वाटर बफेलो, अ रॉक पाइथन एंड इवन द फेमस ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस. इट वॉज एन एंशियंट लुकिंग मैजेस्टिक क्रिएचर वेइंग ओवर 1600 kg एंड वॉज टॉलर देन डेड. उसने वहाँ पर क्या क्या देखा? एलिफेंट्स, वाटर बफेलो, अ रॉक पाइथन और फेमस ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस, मतलब जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पिक्चर्स उसकी, वन टाइम वगैरह सी लाइक दिस टाइप वन हॉर्न राइनो. ओके, सी वन हॉर्न राइनो. तो उसने वहाँ पर ये वन हॉर्न राइनो भी देखा जो बहुत ही फेमस है. इट वॉज एन एंशियंट लुकिंग मैजेस्टिक, बहुत ही मैजेस्टिक क्रिएचर का मतलब भव्य. मैजेस्टिक क्रिएचर का मतलब होता है बहुत ही भव्य शानदार, जिसका वजन 1600 kg था एंड वॉज टॉलर देन डैड, और वो मेरे डैड से भी लंबा था. इट वॉज अमेज्ड बाई इट्स थिक ब्राउन फोल्डेड स्किन एंड इट्स सिंगल हॉर्न. इसकी जो स्क्रीन थी वो ब्राउन कलर की थी, वो इतनी थिक होती है, मोटी होती है कि वो फोल्ड टाइप की हो रही थी, आप लोगों को पिक्चर में भी देखा होगा. एंड इट्स सिंगल हॉर्न, और इसका एक सींग. आई फेल्ट एज इफ आई हैड वॉक्ड इन टू अ फिल्म सेट ऑफ सम प्रेस्ट्रिक एरिया मूवी. इन फैक्ट वॉज वी स्पोर्टेड अ मदर राइनोसॉर्स विथ हर कॉफ. वो कह बोल रहा है कि मुझे तो उस टाइम ये लग रहा था कि जैसे मैं कोई प्रेस्टोरिक, मतलब कोई प्रागैतिहासिक मूवी देख रहा हूँ. और इनफैक्ट वास्तव में वी स्पोर्टेड अ मदर राइनोस, और उसने वहाँ पर मदर राइनो को देखा विथ हर कल्फ, उसके बच्चे के साथ में. शोन द टू इंटर्ड द रिवर नियर बाय एंड बिगिन स्विमिंग विथ वाइल्ड अबेंडन. वाइल्ड अबेंडन का मतलब होता है बेटा कि विदाउट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, मतलब किसी की भी परवाह न करना. उसने तुरंत वहाँ पर देखा कि दो राइनो आती हैं और वो नदी में बिना किसी बात की परवाह किए हुए, कोई भी चिंता नहीं उनको, और नदी में जाकर, पास की नदी में जाकर स्विमिंग करने लगती हैं. इट वॉज अ वार्म डे एंड आई लर्न दैट राइनोज स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे लाइंग इन पूल एंड रिवर्स. उस दिन बहुत गर्मी थी और वो बोलता है जैसे कि मुझे पता है कि राइनो मोस्टली अपना टाइम रिवर्स और पूल में ही व्यतीत करती हैं गर्मी की वजह से. द टूर गाइड इन्फॉर्म अस दैट दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स, एंड बोलता है कि टूर गाइड ने उनको बताया कि ये बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छे तैरने में होते हैं, एंड कैन इवन रन वेरी फास्ट, और बहुत तेज दौड़ भी सकते हैं अप टू 55 के, मतलब 55 किलोमीटर के हिसाब से. दैट इज़ फास्टर देन आवर जीप बस गोइंग, वो हमारी जीप से भी ज़्यादा तेज चल रहे थे. द राइनोस ऑल्सो केप्ट मेकिंग साउंड्स एंड द गाइड टोल्ड अस दैट दिस वॉज अ ब्लीट एंड दैट वॉज अ क्वेक और अ ग्रंट और अ रोर. बोल रहे थे कि वहाँ पर जो आवाज़ें आ रही थी, तो उनका जो गाइड था, टूरिस्ट में जो हम लोग गाइड का यूज़ करते हैं, वो हमें सभी जगह के बारे में, मतलब जो भी एरिया में जो चीज़ है वहाँ पर, उन सब के बारे में बताते हैं. तो वो जो गाइड था उनको गाइड कर रहा था, टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट गाइड था उनको गाइड कर रहा था कि ये जो आवाज़ है, मेकिंग साउंड ऑफ द गाइड टोल्ड अस दैट दिस वॉज अ ब्लीट, की जो आवाज़ आ रही है ये उसकी राइनो की आवाज़ है, स्क्वैक है, चीक, ग्रंट, बोर की आवाज़ है, लाइक दिस टाइप.
ही स्ट्रेस्ड दैट राइनोज आर वेरी वोकल एंड मेक एट लीस्ट 10 डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट इमोशंस। वो बताता है कि जो राइनो होता है वो 10 डिफरेंट साउंड निकालता है अलग अलग इमोशंस अलग अलग फीलिंग से। बट आई हैव टू से दैट ऑल द साउंड्स दे मेड सीम्स मच द सेम टू मी। लेकिन वो कहता है मुझे तो सारे साउंड एक से ही लग रहे थे। आई होप यू विल बी एबल टू सी दिस फैसिनेटिंग क्रिएचर समटाइम्स सून। वो कहता है मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस आकर्षक एरिया को, फैसिनेटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव एरिया को, क्रिएचर्स को, जानवर्स को बहुत जल्दी देखेंगे। द ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस इज लिसेंड एज अ वल्नरेबल स्पीसीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग एंड पोचिंग। बताया जा रहा है कि जो वन हॉर्न राइनोसोरस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वल्नरेबल मींस होता है असुरक्षित स्पाइसेस मींस प्रजाति, ये बहुत ही असुरक्षित जनजाति बिकॉज कि इसके ज़्यादा एक्सेसिव मींस अधिक हंटिंग मींस शिकार, इनका बहुत ज़्यादा शिकार हुआ। एंड पोचिंग का मतलब होता है बेटा ऐसे बहुत सारे लॉज बना दिए जाते हैं और उन पर वैन लगा दिया जाता है, नहीं तो पोचिंग का मतलब वो अवैध रूप से शिकार करना, सब कुछ करने के बाद भी उनका शिकार करते थे। Fortunately, national parks such as Kaziranga ensure that the endangered and vulnerable animals have a safe natural habitat. लेकिन जो हमारा भाग से नेचुरल पार्क्स है काजीरंगा में, वहाँ पर ये सभी सुरक्षित हैं, वहाँ सब सेफ हैं और वहाँ कोई जो भी ये प्रजाति ख़त्म हो रही है वो सभी वहाँ पर सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं। दिस पर्टिकुलर पार्क्स स्प्रेड ओवर मोर देन 400 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड नॉर्मली वी कुड नॉट सी द इंटायर प्लेस। मॉम एक्सप्लेन दैट इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। दिस पर्टिकुलर पार्क जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है ये 400 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है और उसको पूरे तरीके से हम नहीं देख सकते हैं, पूरा पार्क इंटायर प्लेस पूरी जगह हम एकदम से नहीं देख सकते हैं। वी कुड नॉट सी द इंटायर प्लेस पूरा जगह ने मॉम एक्सप्लेन मां ने बताया कि इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इसका अनाउंसमेंट हो गया, डिक्लेयर्ड कर दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से अनाउंस डिक्लेयर कर दिया है। I later read then that in 19,004 Mary Curzon, the wife of George Curzon, who was Viceroy of India at the time of wanted to see the rhinoceros that this place was famous for. अब देखिए यहाँ पर बताया गया I later read, मैंने पहले पढ़ा बाद में पढ़ा 1904 में Mary Curzon जो जार्ज कर्जन की वाइफ थी जो हमारे वायसराय इंडिया के थे उस टाइम जब राइनासोरस को वांटेड टू सी राइनासोरस को देखना चाहते थे प्लेस फॉर फेमस, तब वहाँ पर वो जगह राइनासोरस के लिए फेमस थी। एंड सी कुड नॉट स्पॉट अ सिंगल वन सी देन परस्यूजिड और तब वहाँ पर कहीं पर भी एक भी नहीं मिला। परस्यूजिड का मतलब होता है मेड समवन टू समथिंग बाई गिविंग गुड रीज़न। ओके तो वहाँ पर एक भी नहीं देखा पाया गया। सी देन परस्यूड हर हस्बैंड टू इंश्योर दैट द वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। तब उन्होंने जो हमारे वायसराय थे उन्होंने अपनी वाइफ को इंश्योर किया था कि जो वाइल्ड लाइफ है वो सुरक्षित है, अब वहाँ पर सारे एनिमल प्रोटेक्टेड हैं सुरक्षित हैं। थैंक्स टू ऑल दीज एफर्ट्स जो ये एफर्ट्स किया गया प्रयास किया गया उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द पार्क नाउ हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस। अभी जो पार्क है ये संसार का सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी है। बी स्पोर्टेड वन फर्स्ट वंस विद इन एन आवर्स ड्राइव एक घंटे की ड्राइव में उसने बहुत सारी उन चीज़ों को देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। इट सीम्स स्ट्रेंज टू बी बैक नाउ इन दिस कॉन्सेंट्रेट जंगल आफ्टर ट्रेकिंग। वो कहता है ये सब कुछ स्ट्रेंज था इस जंगल में देखने में बैक ऑन जंगल में जो उसने देखा सब स्ट्रेंज था, आश्चर्यचकित था। इन ऑल द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ जितने भी वहाँ ने चारों तरफ से आवाज़ें सुनी वहाँ चारों तरफ का वाइल्ड लाइफ देखा। आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन मैं वहाँ पर बहुत जल्दी दोबारा से जाना चाहता हूँ। मे बी टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द पार्क हो सकता है कि वो पार्क का दूसरा कोई भाग हो। एंड मे बी यू कैन ज्वाइन अस नेक्स्ट टाइम और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो आपसे भी मिलूँ। योर अफेक्शनेटली आदिल और यहाँ पर लिखा आपका प्रेम से या स्नेह से आदिल। नाउ योर चैप्टर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड सेक्शन टू यू ऑल विल रीड इट अगेन एंड राइट डाउन द न्यू वर्ड्स इन नोट। ओके आई विल अगेन विद यू टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक
स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।